बगैर माइक्रोवेव तो बगैर तंदूर तो मैं घर ही तवे दे उत्ते नान तैयार किए ने किसना तैयार किए ने। आओ फिर तुसी भी मेरे नाल रेसिपी देखो ते अल्लाह दा नाल लेके रेसिपी शुरू करने आ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कीवें हो तुसी सारे? अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे, आबाद रखे, तुहाडे दस्तरखान हमेशा खाने नाल भरे रहन। अज जिहड़ी मैं रेसिपी लैके आई हां, जिहड़ी रेसिपी तुहानू शेयर करन लगी हां, वो तवे ते बनाउण लगे असीं नान। नान जिहड़ा कि घर बनावांगे, तंदूर ते जाण दी कोई जरूरत नहीं हैगी। ते चीज़ां जिस तरह मैं पुमाइश लीती ने, तुसी इसे तरह ही पुमाइश करनियां ने। इत्थे एक कप मैं लिता है मैदे का, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यह जरा दो चुटकियां कह लो कि मैं लीतिया है वे बेकिंग जरा सोडा हों जो घर आम सारे के घर हों इस्तेमाल हों वे वो वाला सोडा वे। इतने मैं लिता बेकिंग पाउडर जरा केक वगैरह बेक कर लगे अस यूज करने है 1/4 टीस्पून यह लिता वे। तो नमक हसबे जायका, ब्लड प्रैशर वगैरह का मसला होंगे जिन्ना तुम पसंद करते हो उन्ना पाना। मैं दो चुटकियां नमक का इस्तेमाल किया वे। इन हूँ असं अच्छी तरह छान लवेंगे मैदा, तो सारिया चीज़ा कट्ठिया मैं छान दतिया ने। हम जो दही है दही असं ये शामिल कर देंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हूँ असं इन्हों अच्छी तरह मिक्स कर लवेंगे। जिस तरह असी आटा गुनने ना नॉर्मल घर का उस तरह ही असी आटा गुनना, ना ज्यादा सख्त रखना है ना ज्यादा नरम रखना वे। जिस तरह तुसी मेरी भैन अपना रूटीन वाइज आटा तुसी गुनते हो वह जी डो असी यदि तैयार कर लेनी हैगी है। नरम नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल होना चाहिए कि वेलन वेलिया आसानी न जाए। थोड़ा थोड़ा पानी पाते हुए असी सारा आटा इकट्ठा कर लवेंगे। आटा मैं इस तरह सारा मैदा जरा वे इकट्ठा कर लिता है वे। ए एक जरा ना टी स्पून असी कुकिंग ऑयल का शामिल कर देवे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऐसे ही पुमाइश के नाल कम ज्यादा कर सकते है वो, मतलब कम की करना इस तो ज्यादा जिन्ना करना इसे तरह पुमाइश रखनी हैगी है। जरूरी नहीं तुसी यही पुमाइश वाले ही बर्तन यूज करो, अपने अंदाजे के मुताबिक जरा भी तुम पुमाइश सही लगती है उस तरह करना। लेकिन यह चीज़ा जरा पुमाइश ना ही इस्तेमाल करनिया ने। हूँ असं अच्छी तरह जरा गुन देवे और 15 मिनट का स्टे दे देवे। 15 मिनट हो चुके हैं आटे को, मैं स्टे दिता हुआ वे। हूँ असं बेलना शुरू करा, असी ना दो थोड़ा जहा असं पहले डस्ट इतने करा आटा कर लाँगे, बिस्मिल्लाह रहमान। ज्यादा नहीं करना है, उस तो बाद असं ये दो पेड़े बना लवेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक कप असी जरा मैदा लिता तो नाल दो साढ़े बन जाएंगे नान इंशाल्लाह। चैनल तो नवे आए हो, चैनल में सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगे नू लाइक करना, शेयर करना और सोने सोने कमेंट करने हरगिज ना भुलिया करो। इन हूँ असं अच्छी तरह बेल लवेंगे। तवा भी मैं गर्म होने रख दिता हो जाए, और तुसी नॉन स्टिक तवे का इतने इस्तेमाल नहीं करना। नॉन स्टिक तवा इस्तेमाल करोगे तो ताड़ा तवा खराब हो जाएगा। तो दूसरा जरा आम रूटीन वाइज तवा असं पराठिया वास्ते इस्तेमाल करने गए वो वाला तवे का असं इस्तेमाल करांगे। जिसो जी भी तुहानू शेप पसंद हैगी है गोल करना है, मैं थोड़ा जिहा इस तरह की शेप बनावांगी। तवा जरा ना चिकना नहीं होना चाहिए है, और नान जरा होंगे ना थोड़ा मोटा रखे वे, ठीक है ना। यह हूँ असं इस तरह कर लिता। हूँ मैं सबस धनिया लिता वे, इन मैं धो के अच्छी तरह तो फिर यह कट लिता वे, थोड़ा जहाँ उपर यह लगा देवे। बिल्कुल बाजार वगैरह नान इंशाल्लाह घर तैयार हो जाएगा। ए फिर असं एक दफा वेलने ना इंज कर लेना वे, बेलन की मदद ना ताकि सही तरह ना चिपक जाएगा, ठीक है। उस बाद असं इन आराम उल्टा करांगे इस तरह, और एक फोक की मदद के नाल हल्के हल्के निशान लगा देंगे, क्योंकि असं बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ये पाया हुआ तो नान साडा बहुत ज़्यादा फिर फुल जाएगा। इस तरह तुसीं जरूर करना वे। उस तो बाद एक ब्रश की मदद के नाल अच्छी तरह पानी लगा देना है वे। तुसी सारे अच्छी तरह अगर वीडियो देखी तो इंशाल्लाह ताला इस तरह ही तुसी जबरदस्त जहाँ नान खुद बना सकोगे। तुसी इतने दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं इतने पानी का ही इस्तेमाल करांगी, और पानी अच्छी तरह लगाना है। अक्सर मेरिया भैनों हों कि नान असी बनाने पर चिपकदा नहीं, पूरा उतर जाता है वे। अच्छी तरह पानी जरा कवर कर लेना है वे।
हर जगह दे उत्ते देखो पानी में लगा था, पानी की मदद नाल इन्हें तवे ते चिपक जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्म तवे दे उत्ते असीं इन्हू इंज कर देना है। हुण थोड़ी देर है, दो मिनट कुक हो जाए फिर तुहानू मैं अगों दिखानी आ। इन्हू दो मिनट हो चुके ने कुक हुंदे होया ते हुण इन्हू असीं तवे नू इसे तरह तवे नू फड़दे होया ना अग दे उत्ते असीं इन्हू पुठा कर देना है गावे इंज। दो मिनट असी तवा पुठा करके इन कुक करना है। यह उल्टा तवा करके देखो मैं कर लिता सी, माशाल्लाह दा कलर तुसी वेख सकते, साडा एक नान रेडी हो चुका वे। इस तरह ही मैं दूसरा नान रेडी कर लाँगी। अगर तुसी इहदे उपर आयल लगाना चाहते हो तो ब्रश की मदद नाल तुसी आयल भी लगा सकते हो, वो तुहाडी अपनी मर्जी हैगी है। अगर आयल लगाना हैगा वे तो आयल भी लगा सकते हैगे हो, मैं उही तुहानू नाल लगा के दिखा दिंदी हाँ, अपनी मर्जी हैगी है तुहाडी, जिस तरह मर्जी तुहानू अच्छा लगता तुसी उस तरह कर लो। हल्का हल्का इहदे उपर आयल लगा दिता, ब्रश की मदद नाल तुसी इन फैला सकते हो तो माशाला दोवें तरह ही सोहना लगता पिया वे। सादा भी कर सकते हो तो आयल भी लगा सकते हो, यदि चमक होर ज़्यादा जरा हो जाती है। मक्खन लगा लो, कोई देसी घ्यो ला लो, मैं तो कुकिंग आयल लगाया वे। बगैर तंदूर तो बगैर माइक्रोवेव तो मैं तुहानू नान बनाने की रैसपी दी हैगी। अगर तुहानू अच्छी लगी हैगी फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपने अजीज़ां शेयर करो, कमेंट करने हरगिज़ ना भुलिया करो, और चैनल पर नवे आए हो चैनल सबसक्राइब जरूर करना। इंशाल्लाह इस तरह दी सोहनिया सोहनिया रैसपियां लैके तुहाडी भैन तुहाडे नाल मिलदी रहेगी। फिर ऐसे ही दुआ दे नाल तुहाडे कोलों अज मैं इजाजत चाहवांगी कि अल्लाह पाक तुहानू सारयां नू मदीने की जियारत करावे, अपने बच्चों च हमेशा खुश रहो और अपने वालदैन की बहुत ज़्यादा हिम्मत करया करो। और यह प्यारा जिहा नान हुण मैं लगी हां खान, तो इंजॉय करो, तुसीं भी बनाओ घर वाली चीज़ां नाल, बना लता बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पई हैगी। ठीक है, फिर इजाजत दो, मैनू अल्लाह हाफिज़।